हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक इन दिस वीडियो। दिस इज सीए योगेश वर्मा। अगर आप लोग अपना सीए आर्टिकलशिप में ट्रांसफ़र लेना चाहते हैं, अपनी फर्म को छोड़ना चाहते हैं इन फर्स्ट ईयर और इन सेकेंड ईयर और इन थर्ड ईयर, तो आप 100% ट्रांसफ़र ले सकते हैं। आज के वीडियो में आपको मिलेगा एक पूरा रामबाण इलाज, यानी कि आपको मिलेगी गारंटी आपके ट्रांसफ़र की। अगर कोई फर्म आपको ट्रांसफ़र लेने से मना कर रही है तो भी वो आपको नहीं रोक सकती, बिकॉज इट्स अ अनलॉफुल एक्टिविटी। किसी को फोर्स करना, इट्स अगेंस्ट द लॉ, इट्स अगेंस्ट द फंडामेंटल राइट्स एज पर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। स्लेवरी अलाउड नहीं है, किसी को फोर्स करना अपने अंडर काम करने के लिए अलाउड नहीं है। आप जाना चाहें तो आप जा सकते हैं, ये आपका अधिकार है। और आज मैं आपके अधिकार के लिए एक एक्सक्लूसिव वीडियो बना रहा हूँ, जिसमें कि मैं सारी चीज़ें बताऊँगा कि आपको स्टेप बाय स्टेप ट्रांसफ़र कैसे मिलेगा। अगर शॉर्ट में बताया जाए तो आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना, एक प्रॉपर मेल ड्राफ्ट करनी है जब आप अपना फर्स्ट टाइम कम्युनिकेशन करेंगे, और ये एक बहुत फॉर्मल मेल होनी चाहिए जिसमें कि आप रिक्वेस्ट करेंगे इफ़ यू आर इन फर्स्ट ईयर ऑफ आर्टिकलशिप, और आप बताएंगे रीज़न इफ़ यू आर इन सेकंड और थर्ड ईयर ऑफ आर्टिकलशिप, जो कि हो सकता है आपके पेरेंट्स का ट्रांसफ़र एट एनी सिटी विच इज़ 50 किलोमीटर और 100 किलोमीटर अवे फ्रॉम योर करेंट सिटी, जिसका रेंट एग्रीमेंट आप दिखा सकते हैं। और फर्स्ट ईयर में तो कोई डॉक्यूमेंट की ज़रूरत नहीं है, इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग में जाने के लिए भी कोई डॉक्यूमेंट की ज़रूरत नहीं है। बस वो मेल आपको प्रॉपरली ड्राफ्ट करके डालना है, ना कि आपको कुछ बहसबाजी करनी है, ना कि आपको कोई हार्श वर्ड्स लिखने हैं। एक प्रॉपरली मेंशनिंग द ICAR रेगुलेशंस, मेंशनिंग अबाउट योर डिटेल्स, योर नेम, योर CRO NRO नंबर, योर फर्म डिटेल्स, व्हेन यू ज्वाइन द फर्म, वो सारी चीज़ें आपको मेंशन करनी है। ICAR रेगुलेशंस आपको मेंशन करनी है कि एज़ पर ICAR रेगुलेशंस, रेगुलेशन का लिंक लगाएंगे, रेगुलेशन 56 सब रेगुलेशन 1 यही होती है, उसको मेंशन करेंगे और ऐसे करके आपको कोरियर कर देना है। अगर उसके बाद भी आपको ट्रांसफ़र नहीं मिलता है तो आप ICAR का फॉर्म 120 फिल कर सकते हैं, और साथ में आप अनलॉफुल एक्टिविटीज़ का जिक्र कर सकते हैं कि भैया ये बॉन्डेड स्लेवरी एक्ट के खिलाफ है, एंड इट इज़ अनलॉफुल, इट इज़ नॉट अलाउड। ये आप लास्ट मेल में डाल सकते हैं, और उसके बाद फॉर्म 120 फिल करके छोड़ सकते हैं फॉर्म में जाना। इसके साथ अगर आपके पास प्रूफ्स वगैरह आ जाते हैं, देन यू कैन पब्लिश दैट ऑन सोशल मीडिया। ICAR में ई साहित्य है, ICAR की और ईमेल आईडीज़ हैं, वहाँ पर कांटेक्ट कर सकते हैं, उनका रिवर्ट आएगा, वो बोलेंगे कि अपनी फर्म से बात करो, हम कुछ नहीं कर सकते। उस प्रूफ को रख लीजिए कि ICAR भी मदद नहीं कर रहा है, दे आर प्रमोटिंग बॉन्डेड स्लेवरी। वो सारे प्रूफ्स इकट्ठे करके एट द लास्ट यू विल फिल फॉर्म 120, फॉर्म में जाना बंद करोगे और सोशल मीडिया पे अपलोड कर दोगे, ज़रूरत आने पर मुझे टैग कर दोगे, बाकी लोगों को टैग कर दोगे, ICAR के काउंसिल मेंबर्स को टैग कर दोगे। बोलते बहुत है लिंक्डइन पोस्ट पे कि हम मदद करेंगे, पर एक्चुअली में जब टैग करेंगे तब पता लगेगा कि सच में वो मदद करेंगे कि नहीं करेंगे। साथ में मैं दो चीज़ें और बताना चाहता हूँ। पहली तो ये कि अगर वो फर्म ने आपके साथ सच में बुरा किया है, गलत किया है, तो आपको गूगल पर जाकर, मैप्स पे जाके, जो गूगल मैप्स होता है वहाँ पे जाके फर्म का रिव्यू लिखना है कि ये फर्म यहाँ पर आ रही है, या किसी भी और वेबसाइट पे फर्म का रिव्यू है, उन सभी जगहों पर जाकर आपको एनोनिमसली अपना नाम बिना बताए सारी घटनाओं को लिखना है, ताकि कोई दूसरा व्यक्ति अगर उस फर्म में जाने की कोशिश करे तो पहले वो उसको देख लें, रिव्यूज़ को पढ़ लें और अपने आप को बचा लें। ये आपका दायित्व है, ये आपको करना पड़ेगा। और दूसरी चीज़ ये है कि अगर आप मुझसे लाइव इंटरेक्शन करना चाहते हैं, तो हर संडे को मैं 10:30 बजे टेलीग्राम पर जूम सेशन का लिंक शेयर करता हूँ, और उसे आप मेरे टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम का चैनल का नाम क्या है? @YogeshVarmaClasses। टेलीग्राम क्या है? एक एप्लीकेशन है जैसे व्हाट्सएप है, गूगल प्ले स्टोर से या अपने ऐप स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं और वहाँ पर सर्च कर सकते हैं योगेश वर्मा क्लासेस, @ करके करेंगे मेरा चैनल आएगा, उसे सब्सक्राइब कर लीजिए। संडे की संडे फ्री सेशन होता है, लिंक होता है, लाइव इंटरेक्शन आप उससे कर सकते हैं। सर, अगर आप हमें ये जो प्रोसीजर आपने बताया है इसे अगर और डिटेल में बता दो, लिख कर ही बता दो, रेगुलेशन का आपने बोला जिक्र किया, रेगुलेशन भी शेयर कर दो, उसका लिंक भी दे दो, तो मज़ा आ जाएगा। तो क्या ऐसा हो सकता है? जी हाँ, हम बिल्कुल अब ऐसा ही करने वाले हैं। वीडियो को आगे शुरू करने से पहले मैं कुछ इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट करना चाहता हूँ। अगर आप सीए आर्टिकलशिप कर रहे हैं और आपकी फर्म में काम नहीं सिखाया जा रहा है, तो आप एक जगह से सारी की सारी चीज़ें सीख सकते हैं, और वो भी सिर्फ एक हफ्ते के अंदर। आपको गूगल पे टाइप करना है सीए योगेश वर्मा ऐप। जैसे ही आप टाइप करेंगे एप्लीकेशन आ जाएगी। अब ये जो एप्लीकेशन है वो आपको गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करनी है। इस एप्लीकेशन के अंदर आपको मेरे 2 कोर्सेज मिलेंगे, और वो 2 कोर्सेज के अलावा मैंने कुछ नहीं पढ़ाया है, सिर्फ 2 कोर्सेज पढ़ाए हैं जो कि एक आर्टिकल असिस्टेंट को आने चाहिए, यानी कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल पे काम करना आना चाहिए, बैलेंस शीट बनानी आनी चाहिए, एक्सेल के सभी फॉर्मूलेज आने चाहिए जो इंडस्ट्री में यूज़ होते हैं, उसे प्रैक्टिकल डेटा पर प्रैक्टिस करना आना चाहिए, ताकि आप एक्चुअली में जब काम करें तो वो चीज़ें आपको आती हो, नॉट ओनली वॉचिंग द वीडियो बट ऑल्सो डाउनलोडिंग द एक्सेल फाइल एंड प्रैक्टिसिंग एट योर होम।
मेकिंग द बैलेंस शीट, मेकिंग P&L, मेकिंग नोट्स टू अकाउंट्स, मेकिंग कैश फ्लो स्टेटमेंट, एवरीथिंग इज इंक्लूडेड इन आर एक्सेल कोर्स एज अ केस स्टडी। एक्सेल सिखाने के बाद कई सारी केस स्टडीज दी हैं जो प्रैक्टिकली आपको काम आएगी। इसके अलावा प्रैक्टिकल ऑडिटिंग सिखाया हुआ है, क्योंकि मेरा खुद का आर्टिकलशिप में 2 साल का ऑडिटिंग का एक्सपीरियंस था। तो मैंने क्या किया, मैंने बिग फोर के पार्टनर को बुलाया, उनका इंटरव्यू मैंने डाला। उन्होंने खुद बताया है कि आप ऑडिटिंग करते कैसे हैं। जब बिग फोर के पार्टनर का इंटरव्यू अच्छा खासा है, 30 मिनट्स का, 40 मिनट्स का, तो आप वहाँ से भी जानेंगे। उसके अलावा जो मैंने आपको रियल वर्क पेपर्स दिखाए हैं और एक्चुअल कंपनी का डेटा दिखाया है और सारे के सारे प्रोसीजर समझाए भी हैं कि करनी कैसे होती है ऑडिट और वर्क पेपर बनते कैसे हैं, तो वो सारी चीज़ें भी आप सुन पाएंगे, देख पाएंगे, जान पाएंगे। तो चलिए फिर आगे वीडियो को कंटिन्यू करते हैं, बट ये बताना बहुत ज़रूरी था क्योंकि 80% स्टूडेंट्स हमारे ऐसे हैं जिन्होंने बिग फोर के प्रोसीजर्स नहीं देखे हैं, वो यहाँ से जान सकते हैं मेरी एप्लीकेशन डाउनलोड करके। अब आपको क्या करना है, आपको ट्रांसफ़र चाहिए, तो ट्रांसफ़र के लिए सबसे पहले आपको एक ईमेल लिखनी पड़ेगी। ईमेल में आप क्या लिखेंगे देखिएगा, ईमेल का जो है ऊपर टाइटल आता है, सब्जेक्ट आता है, उसमें आप लिखेंगे रिक्वेस्ट फॉर, रिक्वेस्ट नहीं लिखेंगे, आप लिखेंगे इंटीमेशन। पूरा लिखकर दिखाऊंगा मेल और ये मेल की कॉपी भी दूंगा, और कॉपी नहीं भी मिले तो स्क्रीन पर देखकर तो नोट डाउन कर ही सकते हैं, करेक्ट। तो इसलिए मैं जानबूझकर पूरी की पूरी वर्डिंग्स लिख रहा हूँ, ताकि आप मुझसे ये आकर ना पूछें कि भाई क्या लिखना है, कैसे लिखना है, लैंग्वेज गलत लिख रहे हैं। कोई लिख रहे हैं सर आई वॉन्ट टू टेक ट्रांसफ़र, आई विल नॉट कम आफ्टर 30 डेज, अरे ऐसे नहीं लिखना मेरे भाई, कुछ भी लिख रहे हो प्रॉपर लैंग्वेज में नहीं लिख रहे हैं तो फिर दिक्कत होगी, ट्रांसफ़र नहीं मिलेगा। तरीके से जाओगे तो मिलेगा, 90% चांस है मिलेगा। लिखो इंटीमेशन फॉर ट्रांसफ़र फ्रॉम आर्टिकलशिप इन फर्स्ट ईयर, फर्स्ट ईयर है तो फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर है तो सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर है तो थर्ड ईयर, समझ गए आप। अगर आपका फर्स्ट ईयर है तो आप ऐसे लिखेंगे, अगर आपका सेकेंड ईयर है तो आप ऐसे लिखेंगे, और थर्ड ईयर है तो आप ऐसे लिखेंगे। सब्जेक्ट ऐसे रहेगा, सब्जेक्ट को क्या करेंगे आप मेल में ऊपर सब्जेक्ट लाइन में पेस्ट कर देंगे, ठीक है जी। इसके अलावा आप और क्या करेंगे, आप अपना नाम भी डाल सकते हैं। आपको ये सब्जेक्ट नहीं लिखना है यार, मुझे पता है ना बहुत सारे अनाड़ी लोग भी होंगे यहाँ पे, वो ऐसे लिख देंगे सब्जेक्ट की लाइन में, लिख देंगे सब्जेक्ट फिर डैश डाल के, अरे भाई जब सब्जेक्ट की लाइन है तो सिर्फ आपको इतना लिखना है उस सब्जेक्ट की लाइन के अंदर। चलो मैं मेल में लिखकर भी दिखाता हूँ क्योंकि मुझे भरोसा तो नहीं है इतना। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने अभी जीमेल खोला है, तो जीमेल की मैंने जैसे ही यहाँ पर बॉडी खोली तो यहाँ पर देखेंगे आप 2 आ रहा है और नीचे सब्जेक्ट आ रहा है। तो जब सब्जेक्ट में लिखना है तो मेरा कहने का मतलब है कि सब्जेक्ट में आपको ये लाइन लिखनी है ऐसे। अब इसमें आप और क्या चीज़ें करेंगे, आप इसमें अपना नाम ऐड कर देंगे, मेरा नाम योगेश वर्मा है तो मैं यहाँ पर ऐड कर दूँगा योगेश, आप अपना नाम ऐड कर देंगे ताकि सब्जेक्ट लाइन में आपके नाम के साथ आपका जो भी इंटीमेशन है वो क्लियरली विजिबल हो। इसके बाद आप क्या करेंगे, इसके बाद आप मेल लिखना शुरू करेंगे ऐसे, डियर सर, मैडम है तो मैडम, MA@AM, अगर मैम लिख रहे हैं तो, अगर आपकी CA प्रिंसिपल मैडम है तो मैम लिखिएगा, सर है तो सर लिखिएगा। डियर सर माई नेम इज़, भाई मैं तो अपना नाम लिख रहा हूँ, आप अपना नाम लिखेंगे। NRO आपका जो भी नंबर है आप आगे लिखेंगे। रजिस्टर्ड अंडर योर फर्म, फर्म का नाम, भाई मेरी फर्म का नाम उस टाइम जो था वो लूथरा एंड लूथरा था, फिर मैंने RSM में काम किया, तो RSM में जो है मैंने इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग के लिए मेल डाली। अभी जो मैं आपको बता रहा हूँ वो बहुत सिंपल है, माई नेम इज़ योगेश वर्मा, NRO CRO, ये रजिस्टर्ड अंडर योर फर्म, फर्म का नाम, एज एन आर्टिकल असिस्टेंट या आर्टिकल ट्रेनी सिंस डेट, डेट ऑफ ज्वाइनिंग मेरी थी 15 जुलाई 2013, 2013 में मैंने शुरू किया था, आप अभी 2022, 23, 21, 1918 जो भी साल है भाई आपका वो डाल दीजिएगा, ठीक है ना। तो माय नेम इज़ योगेश वर्मा, रजिस्टर्ड अंडर योर फर्म, ये एज एन आर्टिकल असिस्टेंट, एज एन आर्टिकल असिस्टेंट सिंस 15 जुलाई 2013 एज़ पर ICA रेगुलेशन। अब कौन सी रेगुलेशन में ट्रांसफ़र लिखा हुआ है वो आपको देखना पड़ेगा, तो यहाँ पर आप टाइप करिएगा ICA रेगुलेशन PDF। अच्छा इसमें आप कैसे करेंगे मैं बताता हूँ आपको, आप मेरे चैनल पर जाएंगे तो मेरा यहाँ पर आ जाएगा हाउ टू टेक ट्रांसफ़र, ए फर्म इज़ नॉट अलाउइंग यू टू टेक ट्रांसफ़र,
नीचे जाएंगे, यहाँ पर मैंने दे रखा है अनाउंसमेंट का लिंक, क्लिक करेंगे, अनाउंसमेंट आएगी, अनाउंसमेंट को डाउनलोड करेंगे। ठीक, देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, रेगुलेशन नंबर 56(1). तो क्या लिखेंगे आप मेल में, एज पर रेगुलेशन 56(1) ऑफ ICI रेगुलेशंस 1988। अभी देखा था हमने 1988 थी, करेक्ट, सही कह रहा हूँ नहीं कह रहा? ट्रांसफर टर्मिनेशन ऑफ आर्टिकल्स इज परमिटेड विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शन ड्यूरिंग द फर्स्ट ईयर ऑफ आर्टिकल्स। ठीक है जी, ठीक है, यहाँ पर इसे कॉपी करेंगे और लिंक लगा देंगे। ठीक है जी, आई हियर बाय रिक्वेस्ट यू टू ग्रांट मी दी ट्रांसफर ड्यूरिंग माय फर्स्ट ईयर ऑफ आर्टिकलशिप एज पर ICI रेगुलेशंस। ठीक है, इसके बाद लिखेंगे आई विल बी अवेलेबल फॉर द फर्म फॉर नेक्स्ट 30 डेज फॉर द हैंड ओवर प्रोसेस, या हैंड ओवर प्रोसीजर। ठीक है जी, आई हैव रिक्वेस्ट यू टू ग्रांट मी दी ट्रांसफर ड्यूरिंग माई फर्स्ट ईयर ऑफ आर्टिकलशिप एज पर ICI regulations as mentioned above, being a law abiding firm, I wish you would facilitate a smooth process of transfer of transfer of my articleship. Further, I ensure my availability for the next 30 days for the handover procedure. My expected date of transfer would be, आगे से 30 दिन डाल दो, आज 12 जून है तो मैं डाल दूंगा 11 जुलाई 2022। थैंक यू, यहां पर NRO नंबर खत्म, बस बात खत्म हो गई। माय नेम इज योगेश वर्मा, रजिस्टर्ड अंडर योर फर्म एज एन, जो भी फर्म का नाम है भाई, मैं अपने टाइम वाली फर्म का नाम लिख रहा हूँ, एज एन आर्टिकल असिस्टेंट सिंस 15 जुलाई 2013 एज पर ICI रेगुलेशन 56(1) ऑफ ICI रेगुलेशंस 1988। यहाँ पर देख भी सकते हो ICI रेगुलेशंस, यहाँ लिख भी रखा होगा ICI रेगुलेशंस, क्या लिखा होगा, दी चार्टर्ड अकाउंटेंट्स रेगुलेशंस। अच्छा, तो ऐसे लिखेंगे आप, ऑफ दी चार्टर्ड अकाउंटेंट्स रेगुलेशंस, और इसमें 56(1) था, टर्मिनेशन और असाइनमेंट ऑफ आर्टिकल्स, तो यहाँ आ ही रहा है ना, तो बस ठीक है। ट्रांसफर टर्मिनेशन ऑफ आर्टिकल्स परमिटेड विदाउट एन रिस्ट्रिक्शन ड्यूरिंग द फर्स्ट ईयर ऑफ आर्टिकल्स, रेफर नोटिफिकेशन, ये रही। आई हैव रिक्वेस्ट यू टू ग्रांट मी द ट्रांसफर ड्यूरिंग माई फर्स्ट ईयर ऑफ आर्टिकलशिप एज पर ICI रेगुलेशन एज मेंशन्ड अबव, बीइंग अ लॉ अबाइडिंग फर्म आई विश you would facilitate a smooth process of transfer of my articleship. Further, I ensure my availability for next 30 days for the smooth, yes, for the handover procedures. My expected date of transfer would be this. Thank you, Yogesh Verma, mail bhej di. ये आपकी क्या है, first mail है, first mail, समझ गए? इसको कैसे करेंगे आप, mail में कैसे लिखेंगे, copy किया, copy किया, पेस्ट कर दिया और अपने प्रिंसिपल को भेज देंगे। ठीक है जी, फ्रॉम कर दीजिए सिंस की जगह पे, गूगल आपको थोड़े सजेशंस बता रहा है, बेटर हो जाएगा, नहीं फ्रॉम कर दीजिए इसको, सिंस नहीं, फ्रॉम कर दीजिए,
और देख लीजिए ग्रामेटिकल एरर वगैरह तो नहीं है, टाइपिंग में कोई दिक्कत तो नहीं हुई, नहीं हुई तो बस काम खत्म। बिल्कुल सिंपल सा मेल है, इसको कॉपी कर कर भेज दीजिएगा। लिख सकते हैं ना अब तो यहाँ से देखकर? जी हाँ लिख सकते हैं बिल्कुल। अब यही अगर आपको सेकेंड ईयर में ट्रांसफ़र लेना है तब आप क्या करेंगे? सेकेंड ईयर में ट्रांसफ़र लेना है तो यहाँ पर बेसिकली पहले आप फर्स्ट ईयर का ले रहे थे तो फर्स्ट ईयर लिख रहे थे, सेकेंड ईयर होगा तो सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर होगा तो थर्ड ईयर, जो भी होगा वो लिख देंगे। इसके बाद ये वर्डिंग्स कैसे चेंज होगी? माय नेम इज़ योगेश वर्मा, रजिस्टर्ड अंडर योर फर्म एज एन आर्टिकल असिस्टेंट सिंस या फ्रॉम, एज पर आईसीआर रेगुलेशंस ट्रांसफ़र टर्मिनेशन इज़ परमिटेड। ये देखिए इसमें रीजंस दे रखे हैं, एक है मेडिकल ग्राउंड, एक है ट्रांसफ़र ऑफ पेरेंट्स टू अनदर सिटी। यहाँ पे लिखिएगा ट्रांसफ़र टर्मिनेशन ऑफ आर्टिकल्स इज परमिटेड इन केस ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ पेरेंट्स, परमिटेड ड्यूरिंग द, अब सेकेंड है तो सेकेंड, थर्ड है तो थर्ड। देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, ड्यूरिंग द रेस्ट ऑफ द आर्टिकलशिप ऑन सेटिस्फाइंग एनी वन और मोर ऑफ द कंडीशन एज स्टेटेड बिलो। इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग है तो इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग डालेंगे, रेगुलेशन 51। सेकॉन्डमेंट है तो सेकॉन्डमेंट पे कोई ज़्यादातर भेजते नहीं है, तो बच क्या गया? पेरेंट्स का ट्रांसफ़र। तो यहाँ लिखेंगे आप ट्रांसफ़र टर्मिनेशन ऑफ आर्टिकल्स इज़ परमिटेड ड्यूरिंग द सेकेंड ईयर ऑफ आर्टिकलशिप ऑन द स्टेटेड ग्राउंड्स एज मैंशनड इन नोटिफिकेशन। यहाँ पर आ गया एज मैंशन इन नोटिफिकेशन, ये रहा। सेकेंड पैरा में लिखेंगे वन ऑफ द ग्राउंड फॉर ट्रांसफ़र इन सेकेंड ईयर ऑफ आर्टिकलशिप, थर्ड है तो थर्ड ईयर ऑफ आर्टिकलशिप, जो भी है सेकेंड में सेकेंड थर्ड में थर्ड, इज ट्रांसफ़र ऑफ पेरेंट्स टू अनदर सिटी। माई पेरेंट्स हैव बीन ट्रांसफर्ड टू अनदर सिटी, दैट इज़ सिटी का नाम लिखेंगे। अब मैं दिल्ली में हूँ तो मैं मुंबई लिखूँगा, मुंबई नहीं तो पुणे लिखूँगा, आप पुणे में तो हरियाणा लिखिएगा, अलग अलग जगह लिखिएगा आप, है ना, दूर दूर। ट्रांसफर टू मुंबई विच इज़ मोर देन, जितना भी किलोमीटर है डिस्टेंस नाप लीजिएगा, दिल्ली से मुंबई कितना है, 1000 किलोमीटर अवे फ्रॉम माई करेंट प्लेस, ट्रांसफर टू अनदर सिटी दैट इज मुंबई, ब्रैकेट में लिखिएगा रेफर रेंट एग्रीमेंट अटैच्ड, रेफर अटैच्ड रेंट एग्रीमेंट, ठीक है जी। ड्यू टू द रीजंस मेंशनड अबव आई हेयर बाय रिक्वेस्ट यू टू ग्रांट मी द ट्रांसफर ड्यूरिंग माई सेकेंड ईयर ऑफ आर्टिकलशिप, थर्ड है तो थर्ड ईयर, समझ गए, एज पर आईसीए रेगुलेशंस as mentioned above, being a law abiding firm I wish you would facilitate a smooth process of transfer of my articleship, further I ensure my availability for next 30 days for the handover procedure, my expected date of transfer would be, jo bhi date hai 30 days ki aage ki dal dijiye, theek hai na, ye aapki mail ban gayi second year ki। industrial training hai to reason mein aap industrial training likhenge, but us case mein aap 3 mahine pehle intimation denge, ICA ka rule kehta hai, to 3 mahine pehle ki aap dal sakte hain mail। इस केस में मेल ऐसे बन जाएगी, सेकेंड है तो सेकेंड, थर्ड है तो थर्ड, वन ऑफ द ग्राउंड, पूरा लिखेंगे, पूरा मेल पढ़ेंगे, देखो क्या लिख रखा है। डियर सर, माय नेम इज योगेश वर्मा एंड आवर नंबर रजिस्टर्ड अंडर योर फर्म, फर्म का नाम एज एन आर्टिकल असिस्टेंट फ्रॉम दिस डेट एज पर आई सी आर रेगुलेशन, रेगुलेशन तो बिल्कुल ठीक है ना भाई, हाँ रेगुलेशन बिल्कुल ठीक है। ट्रांसफर टर्मिनेशन ऑफ आर्टिकल्स इज परमिटेड ड्यूरिंग सेकेंड ईयर ऑफ माई आर्टिकलशिप ऑन द स्टेटेड ग्राउंड्स एज मेंशन्ड इन द नोटिफिकेशन, ठीक है ना, ऑन द ग्राउंड्स लिख दीजिए, स्टेटेड क्या, ऑन द ग्राउंड्स एज मेंशन्ड इन द नोटिफिकेशन, वन ऑफ द ग्राउंड्स फॉर द ट्रांसफर इन सेकेंड ईयर ऑफ आर्टिकलशिप इज ट्रांसफर ऑफ पेरेंट्स टू अंदर सिटी, सिंस माई पेरेंट्स हैव बीन ट्रांसफर टू अनदर सिटी दैट इज मुंबई, रेफर अटैच रेंट एग्रीमेंट विच
या सिंपल ऐसे लिखी है, माई पेरेंट्स आर ट्रांसफर टू अनदर सिटी दैट इज मुंबई विच इज़ मोर देन 1000 किलोमीटर अवे फ्रॉम माई करेंट प्लेस. जितना भी डिस्टेंस आ रहा है गूगल मैप से डिस्टेंस मिल जाएगा. कैसे देखेंगे गूगल मैप से, सिखा देता हूँ देखना, कई लोगों को शायद नहीं आता होगा. यहाँ पर डालेंगे दिल्ली और दिल्ली के बाद यहाँ पर डायरेक्शंस में डालेंगे मुंबई. कैसे भी ले लीजिए डिस्टेंस आ जाएगा. यहाँ पे देखिए डिस्टेंस आ गया 1400 किलोमीटर है. देखिए नीचे आ रहा है यहाँ पे, तो आप 1400 किलोमीटर डाल सकते हैं. डिस्टेंस है 1400 किलोमीटर अवे फ्रॉम माई करेंट प्लेस. रेंट एग्रीमेंट इज अटैच्ड हियर विथ एज अ प्रूफ ऑफ आर न्यू एड्रेस. सिंपल. ठीक. ड्यू टू द रीजन्स मेंशनड अबव आई हियर बाय रिक्वेस्ट यू टू ग्रांट मी अ ट्रांसफर ड्यूरिंग माई सेकेंड ईयर ऑफ आर्टिकलशिप एज पर आईसीए रेगुलेशंस एज मेंशनड अबव. बीइंग अ लॉ अबाइडिंग फर्म आई विश यू वुड फैसिलिटेट अ स्मूथ प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर ऑफ माई आर्टिकलशिप. फर्दर आई इंश्योर माई अवेलेबिलिटी फॉर नेक्स्ट 30 डेज फॉर द हैंड ओवर प्रोसीजर्स. माई एक्सपेक्टेड डेट ऑफ ट्रांसफर वुड भी 30 दिन बाद की डाल सकते हैं. खत्म. सेकेंड ईयर या थर्ड ईयर डालेंगे. इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग है तो 3 महीने पहले डालेंगे. अब ये आपका हो गया पहला मेल. ठीक है जी, मैं इस फाइल को सेव करके रख लूँगा, अभी आपके साथ भी शेयर कर देंगे, और शेयर नहीं भी हो तो वीडियो में तो आ ही रहा है, वहाँ से देखकर आप लिख सकते हैं. तो ये पहली मेल आपकी जानी चाहिए. मोस्ट प्रोबेबली मोर देन 50% केसेस में आपको इस मेल के आधार पर ट्रांसफर मिल जाएगा. बट एक बार मेल डालने के बाद प्रोफेशनल वे में आपने मेल डाली है, आप फॉलोअप करिएगा उस दिन या अगले दिन 2-3 दिन में फॉलोअप करिएगा. सर आई वॉन्ट टू टॉक रिगार्डिंग समथिंग, बोलना ट्रांसफ़र चाहिए मुझे और मेरा रीज़न क्या है. पर्सनल रीज़न है और आईसीआई में बताने की ज़रूरत नहीं है, इट्स माय पर्सनल मैटर. जैसे मैं आपसे नहीं पूछता कि आप पर्सनली कहाँ कहाँ पर क्या क्या काम करते हैं, वैसे आपको भी राइट नहीं है कि आप मेरी पर्सनल लाइफ के बारे में पूछें. मुझे जाना है और आईसीआई अलाउ करता है तो मैं जाना चाहता हूँ. आई विल बी हेयर फॉर एनीथिंग. अगर मेरा कोई हैंड ओवर वर्क है तो वो मैं पूरा करूँगा. 30 डेज के लिए मैं यहाँ पर हूँ, और जाने के बाद भी, ट्रांसफ़र होने के बाद भी, अगर कोई अर्जेंसी पड़ती है तो किसी दिन आना पड़े तो आई एम हैप्पी टू कम एंड एक्सप्लेन थिंग्स विच वॉज डन बाई मी, और मेरी अवेलेबिलिटी रहेगी ऑन एक्सेप्शनल बेसिस. तो यहाँ तक बात आपकी क्लियर हो गई. रीज़न बताने की ज़रूरत नहीं है फर्स्ट ईयर में, सेकेंड ईयर में है तो आपने बताया. आप चाहें तो पर्सनल रीज़न लिख सकते हैं, नहीं तो रीज़न मैंशन नहीं करेंगे तो भी चलेगा. अब ये मेल का जवाब आएगा तो ठीक है, अगर जवाब नहीं आता है तो उस केस में आप, जैसे यहाँ पर आप मेल भेजेंगे तो आप किसको भेजेंगे. मैं इसको भेज देता हूँ बेस्ट सी ए क्लासेस. मैंने अपने प्रिंसिपल को मेल डाल दी. ठीक. अब क्या हो गया, अब मैं यहाँ पर जाऊँगा सेंट मेल में. देखिए सेंट मेल में मैंने डाली और मैंने इसको यहाँ पर क्लिक करा, मैंने इसका प्रिंट ले लिया. देखिए यहाँ पर प्रिंट का ऑप्शन आ रहा है, प्रिंट ऑल. मैं प्रिंट पे जाऊँगा, मैं इसका प्रिंट ले लूँगा जो मैंने मेल डाली है. ठीक. ये देखिए मेल आ गई, मैंने किसको डाली, किस दिन डाली, पूरी डेट के साथ प्रिंट आ रहा है. मैंने इसको ले लिया. अभी प्रिंटर इंस्टॉल नहीं है, नहीं तो प्रिंट लेकर भी आपको दिखाता. कई लोग को समझ में नहीं आएगा प्रिंट लेते कैसे हैं. आप टॉन्ट मार रहे हो हमें हैं. अरे नहीं आता, सबको नहीं आता प्रिंट लेना, सबने नहीं सीखा हुआ है. आपको नहीं पता ना कहाँ कहाँ से, कौन कौन से बैकग्राउंड से लोग आते हैं. तो इसके लिए आपको प्रिंट लेना है. प्रिंट का मतलब किसी फोटो स्टेट वाले से जाकर भी प्रिंट आउट निकलवा सकते हैं, ऑफिस का प्रिंटर है तो निकलवा सकते हैं, नहीं तो फ़ोटो खींच लीजिए, उससे ज़्यादा क्या करेंगे आप. ओपन करिए मोबाइल से, फ़ोटो खींच लीजिए, इतना तो कर ही सकते हैं. अब ये मेल हो गई, इसके बाद जवाब नहीं आया, एक हफ्ते के बाद इस पे टॉपअप डाल दीजिए. टॉपअप कैसे डालेंगे, जो आपकी सेंट मेल है इसी में जाएंगे, रिप्लाई करेंगे. रिप्लाई में इस बार क्या करेंगे, आप यहाँ पर सीसी में और भी लोगों को लिख लेंगे. जैसे मान लो कोई आपके सीनियर अधिकारी हैं, आईसीए के हैं, तो आईसीए सेक्रेटरी की जो ईमेल आईडी है आईसीआई ट्रांसफ़र हेल्पलाइन ईमेल आईडी, ये फाइनल एग्ज़ाम वाली मिल रही है, थोड़ा सा रिसर्च करेंगे. ये देखिए यहाँ पर मिल जाएगा कॉन्टैक्ट की डिटेल, टर्मिनेशन ऑफ आर्टिकलशिप, anju.grover@icia.in. मिल गई ना, मैंने गूगल किया, एक सेकंड में मिल गया. अब आप ये वाली आईडी डाल देंगे, है ना. आप अपनी रिसर्च नहीं करेंगे कि भैया हो सकता है कि आईडी चेंज हो गई हो सकता है कि 2-3 और जगह पर मेरे को डालना पड़े, वो आप नहीं करेंगे, है ना. तो कोई बात नहीं, आप ये डाल दीजिए, जो भी आपको गूगल से मिले वो आप डाल दीजिए. 1, 2, 3, 4, 5 जितनी आईडीज मिले डाल दीजिए यहाँ पर आईसीए वाली. बट हाँ, आर्टिकलशिप की होनी चाहिए, ये नहीं कि आप किसी और को दे रहे हैं, प्रेसिडेंट को डाल रहे हैं, सेक्रेटरी को डाल रहे हैं, नहीं भैया, आर्टिकलशिप से जुड़ी हुई होनी चाहिए, तब आप डालिएगा. इसके बाद आप यहाँ लिखेंगे, देखिए इसको मैं खोलूँगा ना तो नीचे मेरी मेल आ रही है पुरानी वाली. डियर सर, इट हैज़ बीन अ वीक, इट हैज़ बीन मोर देन अ वीक, रिक्वेस्ट यू टू
kindly give your confirmation for my articleship transfer as per my mail dated, as per my trail mail dated. अब ट्रेल मेल आपने जिस दिन भेजी थी उस दिन का आप डेट डाल देंगे. मैंने 12 जून को भेजी इसलिए मैं 12 जून डाल रहा हूँ. देखिए नीचे आ भी रही है डेट, तो जो भी डेट आ रही है वो आप डाल देंगे. सिंपल. सीनियर पार्टनर को रख लेंगे, एचआर है एचआर को रख लेंगे, ज़्यादा लोगों को रखेंगे यहाँ पर, और ट्रेलर डालेंगे. ठीक है ना. रिक्वेस्ट यू टू काइंडली गिव योर कन्फर्मेशन फॉर माई आर्टिकलशिप ट्रांसफर एज पर मेल डेट दिस. ठीक है. माई लास्ट वर्किंग डेट वुड बी, यहाँ पर मेंशन कर देंगे वही डेट जो पहले मेंशन करी थी कि भैया मैं 11 जुलाई 2022 तक यहाँ पर रहूँगा. एक हफ्ते के बाद भी आपने सेम मेल डाली, उस पर टॉपअप किया, दोबारा से फ्रेश मेल नहीं लिखी, उसी पर फॉलोअप किया, इसके बाद भी आपको ट्रांसफ़र नहीं मिल रहा है, अब क्या करेंगे? अब जो है ना, आप लिखेंगे फर्म को लेटर. अब लेटर कैसे लिखते हैं भाई? लेटर ऐसे लिखते हैं टू प्रिंसिपल का नाम. अब प्रिंसिपल का आपका नाम क्या है? मान लेते हैं हाइपोथेटिकल मैं ले रहा हूँ, ए बी अभिलाष, सी ए है तो सी ए, ठीक है ना. फर्म का नाम क्या है? एक्स वाई जेड, जो भी फर्म का नाम है. एंड कंपनी. एड्रेस क्या है? एन एस पी, जो भी आपका एड्रेस है, जिस भी जगह से आप बात कर रहे हैं. आपका पिन कोड भी आ गया, ठीक है जी. यहाँ पर आप और क्या लिखेंगे? सब्जेक्ट, रिक्वेस्ट फॉर ट्रांसफ़र ऑफ आर्टिकलशिप इन फर्स्ट ईयर. अब यहाँ पे अपना नाम नहीं लिखेंगे आप. मेल में आपने अपना नाम लिखा था सब्जेक्ट लाइन में, क्यों? क्योंकि भाई वो मेल थी. मेल के सब्जेक्ट में कोई भी सर्च करेगा आपकी कितनी मेल्स आई, इतनी सारी मेल्स आती है, तो इसलिए लिखा था आप. लेटर में नहीं लिखेंगे आप. लेटर में तो आपका नाम जाएगा, आप ही के नाम से जाएगा. और लिखेंगे क्या आप? यही कॉपी करेंगे, फर्स्ट मेल जो आपने बनाई थी, और इसको पहले कॉपी कर देंगे यहाँ पे. डियर सर, आई एम रजिस्टर्ड अंडर योर फर्म एज एन आर्टिकल असिस्टेंट सिंस दिस एज पर आईसीआर रेगुलेशन अलाउ होता है. सेकेंड ईयर है तो सेकेंड ईयर वाला रीजन, फर्स्ट है तो फर्स्ट वाला. सेम उसी मेल को कॉपी करेंगे आप. आई हैव आई रिक्वेस्ट टू ग्रांट मी अ ट्रांसफर बींग अ लॉ अबाइडिंग फर्म. आई विश यू वुड फैसिलिटेट द ट्रांसफर फर्दर, एंश्योर माई अवेलेबिलिटी फॉर द नेक्स्ट 30 डेज. माई एक्सपेक्टेड डेट ऑफ ट्रांसफर वुड बी दिस, ब्रैकेट में ओरिजिनली इंटीमेशन वॉज सेंट ऑन, जो भी डेट है आपकी 12 जून 2022, थ्रू ईमेल. ईमेल कॉपी अटैच्ड. प्रिंट आउट लेंगे ईमेल का, यहाँ पे लिखेंगे थैंक यू, अपना नाम, और यहाँ पर लिख देंगे जो भी आपका NRO CRO नंबर है वो डाल देंगे, और उसके बाद अपना मोबाइल नंबर भी यहाँ पर डाल देंगे, बेटर रहेगा. उसके बाद और क्या करेंगे आप? इसके बाद यहाँ लिखेंगे कॉपी टू सेक्रेटरी ICI. अब ICI के दो ऑफिस हैं, विश्वास नगर, इंद्रप्रस्थ मार्ग. आप इंद्रप्रस्थ मार्ग वाला एड्रेस डाउनलोड करेंगे. अब एड्रेस कैसे देखते हैं? गूगल से देखते हैं. गूगल से देखना आता है कितने लोगों को आता है. ICI इंद्रप्रस्थ मार्ग, सिंपल. एक टाइप करना है और बस, ये आपका एड्रेस आ गया यहाँ पर. ICI भवन, इंद्रप्रस्थ मार्ग, न्यू दिल्ली 110002. इसको कॉपी कर देंगे आप. आपका जवाब नहीं आ रहा तो आप यहाँ पर कॉपी कर देंगे. अब ये कॉपी टू, इस लेटर के दो प्रिंट लेंगे आप और उसकी कोरियर लगाएंगे. कोरियर कहाँ से लगाएंगे? ब्लू डार्ट से लगाएंगे. ब्लू डार्ट क्या है भैया? ब्लू डार्ट, DTDC, प्राइवेट कोरियर एजेंसीज हैं जिनका ट्रैकिंग नंबर मिल जाता है. एक बार आप इनसे कोरियर लगाते हैं अपने आसपास जाके, तो उसके बाद वो कोरियर 2-3 दिन में पहुंच जाता है. उसका नंबर यहाँ पर डालकर आप ट्रैक कर सकते हैं. तो यहाँ पे आपने ट्रैकिंग नंबर डाला, यहाँ पे दिख गया सक्सेसफुली डिलीवर्ड. चाहो तो यहाँ पे डिटेल भी लिख सकते हो, ऐसे करके प्लस करोगे और प्लस करके आपको पूरी डिटेल मिल जाएगी. प्रूफ ऑफ डिलीवरी कि उस जगह पर पहुँच गया है, किस दिन पहुँचा है, इसका पूरा स्क्रीनशॉट लेकर सेव कर लो. आपने जो अपने प्रिंसिपल को लेटर दिया वो भी, जो ICI को भेजा वो भी, दो कॉपी भेजनी है आपको. बात समझ में आ गई आपको? तो ये हो गया आपका ऑफिशियल नोटिस. पीछे आपने प्रिंटआउट लगा दिया. अगर आपका सेकेंड ईयर या थर्ड ईयर है तो रेंट एग्रीमेंट की कॉपी या जो भी आपका रीज़न है उसका प्रूफ. और अगर आपका फर्स्ट ईयर है तो आप नॉर्मली ये लगाएंगे, अपनी पिछली मेल लगा देंगे. हाँ, अगर सेकेंड थर्ड ईयर है उसमें रेंट एग्रीमेंट लगा रहे हैं और उसके बाद लेटर लिख रहे हैं
तो उसमें भी जो आपने पहली मेल डाली थी उस मेल की कॉपी ज़रूर लगाएंगे आप, और ये लिखेंगे जो मैंने यहाँ पर लिख कर दिया है। आप वीडियो को पॉज करके नोट डाउन भी कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं। ये जो नोटिफिकेशन का लिंक है मैंने अपनी पुरानी वीडियो में दिया है, इस वीडियो के नीचे भी लगा रहा हूँ, तो उसको आप ले सकते हैं। बाकी ICA के लोगों का आप रेफरेंस लिख सकते हैं यहाँ पर, इस मेल में आप ये भी लिख सकते हैं एडिशनली ईमेल कॉपी इज अटैच। ठीक है, ईमेल कॉपी में तो जिन जिनको आपने भेजा है फर्स्ट वाली कॉपी भी, और फिर सेकंड चेजर में आपने ICA वाली ईमेल आईडीज पर भी लिखा है वो वाली कॉपी भी, दोनों कॉपी जो है मेल की आप प्रिंटआउट लेकर यहाँ पर लगाएंगे और इसको कोरियर करेंगे। जैसे कि पुराने टाइम में खत आते थे वैसे ही कोरियर करेंगे, उसका प्रूफ लेंगे, प्रूफ ऑफ डिलीवरी। स्क्रीन पर दिखा रहा हूँ, ऐसे नंबर दिख रहे हैं, ये देखिए, ये रिसिप्ट मिलेगी आपको, रिसिप्ट के साथ आप ट्रैक कर सकते हैं किसने रिसीव किया है, रजिस्टर्ड पोस्ट से भेज सकते हैं। तो ऐसा करने से क्या होगा, बहुत फ़ायदा होगा। जब भी आप लिखेंगे एड्रेस तो उसमें अपना नाम ज़रूर लिखिएगा, NRO SRO CRO नंबर अपने लेटर पर, जो भी कवर लेटर होता है उस पर ज़रूर लिखिएगा कि आपने इसका प्रिंट लिया। प्रिंट लेकर किसी लिफाफे में डालेंगे ना, लिफाफे में एड्रेस लिखेंगे, ICA के लिए ICA के सेक्रेटरी का लिखेंगे, और फॉर्म का है तो फॉर्म का लिखेंगे। एड्रेस लिखेंगे ना तो पीछे अपना एड्रेस भी लिखिएगा ना आप, तो अपना नाम, नंबर, NRO CRO नंबर भी ज़रूर डालिएगा, और एप्लीकेशन पर लिखिएगा, जो ICA को जाएगी उसमें लिखिएगा, और फॉर्म को जाएगी उसमें भी लिखिएगा आर्टिकलशिप ट्रांसफ़र। ICA वाली पर तो ज़रूर लिखिएगा, भले ही फॉर्म वाली पर आप ना लिखें, ताकि उन्हें पता रहे कि आर्टिकलशिप ट्रांसफ़र वाले सेक्शन में भेजनी है। सिर्फ आर्टिकलशिप लिख दीजिएगा, फॉर आर्टिकलशिप, ठीक है ना। तो ऐसे कर कर अगर आप चलते हैं तो आपका ऑलमोस्ट सारे प्रोसीजर फॉलो होंगे तरीके से जाएंगे तो, और एक महीने के अंदर आपको रिजल्ट मिलेगा। इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग है तो 3 महीने का टाइम है। अब ये करने के बाद भी अगर आपको नहीं मिलता है तो ICA का फॉर्म 120 है, आप जो है ICA के फॉर्म 120 को फिर 30 डेज़, 45 डेज़ के बाद फिल कर सकते हैं, और उसके बाद जाना बंद कर सकते हैं। ICA को एक लेटर गया, सब कुछ गया, प्रूफ आ गया पहुंचने का, बस आपका मैटर सॉल्व हो गया। इसके बाद अगर कोई नहीं दे रहा है तो फिर क्या करेंगे, इसके बाद लास्ट स्टेप आएगा, मेल के थ्रू भी और कोरियर के थ्रू भी लास्ट स्टेप, और उसमें आप क्या लिखेंगे, उसमें आप लिखेंगे डियर सर, सब्जेक्ट डालेंगे। चलो मैं वही कॉपी कर लेता हूँ ऊपर वाला, उसमें मॉडिफिकेशन कर लेंगे, ठीक है ना। अभी भी ट्रांसफ़र नहीं मिला, सब कुछ कर लिया अभी भी नहीं मिला है, सारे तरीके अपना लिए, अब क्या करेंगे आप, अब यहाँ लिखेंगे सब्जेक्ट और इसमें लिखेंगे डियर सर मेरा ये नाम है, ये रेगुलेशन अप्लाई होती है, मैं आपको रिक्वेस्ट कर रहा हूँ आप ट्रांसफ़र दे दीजिए एज़ पर ICA रेगुलेशन। अब यहाँ पर इस वर्ड को हटाएंगे आप, फर्दर इट शुड बी नोटेड दैट अर्लियर, नीचे वाला हटाई देता हूँ, दैट अर्लियर इंटीमेशन वॉज गिवन ऑन, जो भी डेट है जिस भी डेट को आपने पहली बार दिया था वो, रेफर अटैच्ड मेल, मेल को अटैच करेंगे, कोरियर से भेज रहे हैं, प्रिंटआउट लेंगे, दोनों चीज़ें कर कर रखेंगे, एंड चेजर मेल वॉज सेंट ऑन, जो भी डेट है मान लो आप 18 तारीख को भेजते हैं, 18 जून 2022, उसके एक हफ्ते बाद 10 दिन बाद भेजते हैं उसकी डेट डालेंगे। हाउएवर नो रिस्पॉन्स इज रिसीव्ड, या फॉर्म 120 भरने से पहले और फॉर्म में जाना बंद करने से पहले आप ये भेज रहे हैं, इसके बाद जो है एक हफ्ते में आप बंद करेंगे जाना, ठीक है ना। हाउएवर नो रिस्पॉन्स इज रिसीव्ड, इट शुड बी नोटेड दैट फोर्सिंग एनी वन टू वर्क अंडर हिम और हर इज अ पनिशेबल ऑफेंस एज पर, अब ये प्रोहिबिशन ऑफ स्लेवरी एक्ट है, बॉन्डेड स्लेवरी एक्ट है, इसका भी जरा रेफरेंस देना पड़ेगा, तो बॉन्डेड स्लेवरी एक्ट PDF, ये देखिए इसका, इस एक्ट का रेफरेंस देंगे आप, इज अ पनिशेबल ऑफेंस अंडर दिस एंड इज ऑल्सो अगेंस्ट दी फंडामेंटल राइट्स ऑफ अ सिटीजन ऑफ इंडिया, ठीक है ना। आई बींग a law abiding firm, I request you to kindly accept, अभी आप ट्रांसफ़र फॉर्म डाल चुके हो, ट्रांसफ़र फॉर्म डाल चुके हो, फॉर्म ने एक्सेप्ट नहीं करा,
उसके बाद आप ये मेल डाल रहे हो और उसके बाद भी कुछ नहीं करेंगे तब 120 भरेंगे, बट अभी आप स्ट्रिक्ट वाली मेल डालकर देख रहे हो, ये आखिरी मेल रहेगी, इसके बाद आप ज़्यादा मेल पे कुछ भी नहीं करेंगे, दिस इज़ योर लास्ट मेल। बींग अ लॉ अबाइडिंग फर्म आई रिक्वेस्ट यू टू काइंडली एक्सेप्ट माई ट्रांसफर ऑन ICI पोर्टल, और पोर्टल का लिंक दे देंगे आप, SSP पोर्टल का लिंक क्या है भैया देखिए आप, अगर मैं बोल दूंगा सिर्फ ICI में SSP पोर्टल के लिंक पर चले जाइए तो दिक्कत हो जाएगी, इसलिए मुझे खोल कर दिखाना पड़ रहा है। जो भी लिंक है भाई लिंक देखकर आप लगा दीजिएगा, ठीक है, उस लिंक को पेस्ट करिएगा, दूसरे लिंक भी हो सकते हैं, ये तो काफ़ी डिटेल्ड लिंक है, ऐसे कर कर आप छोटा लिंक भी लगा सकते हैं, ठीक है ना। काइंडली एक्सेप्ट माई ट्रांसफर ऑन ICI पोर्टल, जिस भी पोर्टल पर आपने अप्लाई करा है SSP पोर्टल पे, उस पोर्टल का लिंक लगाइएगा, ठीक है ना। डिनायल ऑफ ट्रांसफर वुड रिजल्ट इन लीगल कॉन्सिक्वेंसेस, आई रिक्वेस्ट यू टू काइंडली अप्रूव माई ट्रांसफर। अब रिक्वेस्ट नहीं है, अब पूछ नहीं रहे, आप बता रहे हैं अप्रूव माई ट्रांसफर विद इन 7 वर्किंग डेज ऑफ दिस नोटिस, और इवन आप रिक्वेस्ट भी नहीं लिखेंगे, रिक्वेस्ट नहीं लिखेंगे, टाइटल चेंज कर देंगे आप, नोटिस फॉर एक्सेप्टेंस ऑफ ट्रांसफर ऑन ICI पोर्टल, ये नोटिस है, ये नोटिस है आपका, आप नोटिस दे रहे हैं, आप कोरियर से भेजेंगे और साथ में आप ईमेल भी करेंगे। आई हियर बाय रिक्वेस्ट यू टू नहीं, ये नहीं लिखेंगे, इट शुड बी नोटेड दैट अर्लियर इंटीमेशन फॉर ट्रांसफर ऑफ आर्टिकलशिप फॉर ट्रांसफर फ्रॉम आर्टिकलशिप, फर्स्ट ईयर है तो फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर तो सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर तो थर्ड ईयर, इट शुड बी नोटेड दैट अर्लियर इंटीमेशन फॉर ट्रांसफर फ्रॉम आर्टिकलशिप इन फर्स्ट ईयर वॉज गिवन ऑन दिस डेट एंड चेजर मेल वॉज सेंट ऑन दिस, हाउएवर नो रिस्पॉन्स इज रिसीव्ड, या नो रिस्पॉन्स वॉज रिसीव्ड कर दो इसको। इट शुड बी नोटेड दैट फोर्सिंग एनी वन टू वर्क अंडर हिमर इज अ पनिशेबल ऑफेंस अंडर द बॉन्डेड लेबर सिस्टम एवोल्यूशन एक्ट एंड इज ऑल्सो अगेंस्ट द फंडामेंटल राइट्स ऑफ अ सिटीजन ऑफ इंडिया। बींग अ लॉ अबाइडिंग फर्म आई रिक्वेस्ट टू काइंडली एक्सेप्ट माई ट्रांसफर ऑन ICI पोर्टल, डिनायल ऑफ ट्रांसफर रिजल्ट इन लीगल कॉन्सिक्वेंसेज, आई रिक्वेस्ट यू टू काइंडली अप्रूव माई ट्रांसफर विद इन 7 वर्किंग डेज ऑफ दिस नोटिस। अब ये थोड़ा सा ढंग का मेल हो गया, इसको आप क्या करेंगे, उसी मेल पर टॉपअप डालेंगे आप, जो आपने पहले मेल डाली थी, अब ये सेकेंड मेल हो गई, ICI वाली को हटा देते हैं भैया हम, वरना ICI को सच में चले जाएगा, जो हम ट्रेलर कर रहे हैं उसमें आप सच में भेज देंगे, नहीं भैया, फिर आपका ये वाला मेल जाएगा इंटीमेशन का, और ये जो बॉन्डेड स्लेवरी एक्ट है इसको आप लगा दीजिए यहाँ पर, इसका रेफरेंस लगा दीजिए आप, लिंक लगा दीजिए, आपको लिंक लगाना है तो, इसको पढ़ना है तो पढ़ भी लेंगे, और डिटेल में लिखना है तो डिटेल में लिख लीजिएगा, फिर जो आपका फंडामेंटल राइट्स हैं कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वो भी देख सकते हैं, फंडामेंटल राइट्स ऑफ एज पर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया लिखिएगा, राइट्स एज पर दी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, तो मेल बना दिए, देखकर आप लिख सकते हैं, ऐसी मेल आप करिएगा, फर्म का नाम मैंने अपने टाइम वाली फर्म का नाम लिखा है, आप अपनी फर्म का नाम लिखिएगा, ठीक है जी, तो ऐसे कर कर आप मेल डालिए और इसके बाद आप जाना बंद कर दीजिए, बट जब आपने सेकंड चेजर डाला उसके बाद अपना ट्रांसफ़र का प्रोसीजर शुरू कर सकते हैं ऑनलाइन जाके, 15 दिन 20 दिन के बाद कोई रिस्पॉन्स नहीं आता है, ICI को मेल चली गई, फर्म को चली गई, कोरियर चली गया, पहुँच गया, कुछ नहीं हो रहा है, 15-20 दिन हो गए हैं, तो ठीक है आप ऑनलाइन पोर्टल पर जाके ट्रांसफ़र का प्रोसीजर इनिशिएट करिए। वॉइस रिकॉर्डिंग कॉल रिकॉर्डिंग अपने पास रखिए एज अ प्रूफ अगर होता है तो, और लास्ट में ई मेल डालने के बाद 2-4 दिन जाना है तो जाइए, उसके बाद आप छोड़ दीजिए और फॉर्म 120 भर के छोड़ दीजिए, सिंपल है। तो 90% केसेस में आपको ट्रांसफ़र मिल जाएगा, 10% केसेस अटकेंगे जहाँ पर कि प्रिंसिपल को लगेगा कि मेरे साथ तो कॉन्टैक्ट है, मैं इसको और हरास करूँगा, मैं लड़ लूँगा, देखते हैं क्या करेंगे,
वो 10% केसेस बचेंगे, 80% 90% में, 90% में आपको मिल जाएगा, यहाँ तक तो मिल ही जाएगा इस मेल के बाद। उसके बाद भी नहीं मिलता तो फॉर्म मत जाइए। अरे ऐसे सीए के एंटर करके क्या फ़ायदा, जिसको ना तो कानून की पड़ी है ना लॉ फॉलो कर रहा है, तो वो तो क्रिमिनल ऑफेंस कर रहा है। तो उसकी अगर रिकॉर्डिंग वगैरह है आपके पास, उसे फिर आप यूट्यूब पर डाल दीजिए, आप लिंक्डइन पर डाल दीजिए, पब्लिक कर दीजिए। आप अगर उसने ज़बरदस्ती करा है, मेल वेल लिखा है, कोई जवाब नहीं है, तो एंड में जाकर आप पब्लिक कर दीजिए कि भाई ये मेरे साथ हो रहा है, आप देख लीजिए। बिना प्रूफ के मत डालिएगा पब्लिक में नाम लेके, बट प्रूफ है तो प्रूफ के साथ डालिएगा, एटलीस्ट मेल की कॉपी वगैरह लगा के तो डाल सकते हैं ना। हाँ, तो उसके साथ डालिएगा, अपना इशू लिखिएगा, टैग करिएगा सबको, मुझे भी टैग करिएगा लिंक्डइन पे, और ऐसे कर कर आप लास्ट में फिर फाइट कर सकते हैं। क्योंकि अगर आप यहाँ पर झुक गए तो फिर आप एक सक्सेसफुल चार्टर्ड अकाउंटेंट कैसे बनेंगे? आप तो डर गए ना, तो डर के तो कोई सीए नहीं बन सकता है, समझ रहे हैं आप? जो बंदा गलत कर रहा है, आप उस गलत करने वाले बंदे से डर गए, तो फिर आप एक ढंग के चार्टर्ड अकाउंटेंट नहीं बनेंगे, क्योंकि आपको अपने राइट्स के लिए लड़ना नहीं आता। फिर वही होगा जो जीएसटी ऑफिशियल ने डंडे मार के दो सीएस को अंदर अंदर कर दिया, डंडे मार के, फिर आप वैसे बन जाएंगे, और लड़ना आएगा तो जीएसटी ऑफिशियल क्या कुछ भी नहीं कर पाएगा कोई भी, क्योंकि आप सही हैं। तो ये कोर्स आपको बिल्कुल सही से जो है अपने हक के लिए लड़ना सिखाता है। तो डरिएगा नहीं, बिल्कुल नहीं डरिएगा, फाइट ही ओनली ऑप्शन है। कोर्स करेंगे तो ढंग से करेंगे, सक्सेसफुल बनेंगे, और नहीं तो नहीं करेंगे। अगर ये वाला आपके अंदर टेक है तभी आप लड़िए, तभी आप ये ट्रांसफ़र का प्रोसीजर करिए। अगर डर के जीना है और डर के सीए बनना है तो फिर करते रहिए जहाँ पर आप कर रहे हैं। हरासमेंट हो रही है तो करवाते रहिए, एक साल की बातें, दो साल की, तीन साल की बातें, निकल जाइए भाई। मेरे को ये चीज़ मतलब अपने पर इम्प्लीमेंट करनी थी कि डरना नहीं है, चाहे कुछ भी हो जाए। अगर मैं आज डर गया तो फिर मैं क्या बोलूँगा यार। और डरने का मतलब ये नहीं है, डरने का मतलब ये नहीं है कि आप मूर्खता दिखाएं। मूर्खता क्या होती है कि आप जाकर वहाँ पर गाली गलौज करें, लड़ाई करें, ये नहीं करना है आपको कि मैं नहीं डरता, मैं कुछ भी कर लूँगा, मैं वायलेंस करूँगा। इसका मतलब ये नहीं कि आप डरते नहीं है, इसका मतलब ये है कि आप शॉर्ट टेम्पर्ड है, आपको समझदार रहना है, बट आपको ये नहीं डरना कि क्या हो जाएगा, क्योंकि आपने तो कुछ गलत किया ही नहीं ना। यू आर फॉलोइंग द रूल्स, यू वॉन्ट द ट्रांसफर, यू आर राइटिंग पोलाइट मेल्स, एंड लास्ट मेल इज लिटिल बिट हार्श बाई गिविंग द रेफरेंस ऑफ द लॉ। आपने किसी का बुरा किया ही नहीं, फर्म का भी बुरा नहीं करा। एट द एंड आप सोशल मीडिया पे पब्लिश करेंगे तो वो जो प्रूफ होगा वो पब्लिश करेंगे आप, अपने मन से तो कुछ नहीं लिखेंगे। अगर मेल है तो मेल दिखाएंगे, अगर वीडियो रिकॉर्डिंग या ऑडियो रिकॉर्डिंग है तो उसको देखेंगे, वो तो उसने बोला है जो भी बोला है, आपने तो प्रूफ दिखाया है, तो आपने इसमें गलत क्या किया? आपको ट्रांसफर नहीं मिला, आपका राइट जा रहा है, तो एट द एंड यू विल मेक थिंग्स पब्लिक एंड सिंपल इज दैट, लीव द कोर्स। ऐसा कोर्स करके क्या फ़ायदा, जहाँ पर ना आईसीए सुन रहा है, ना आपका प्रिंसिपल सुन रहा है। वो 10% लोग मैं बता रहा हूँ, 90% का तो काम हो जाएगा, 10% के केस में जो अटकेगा, तो दैट मीन्स वो फर्म इलीगल काम कर रही है। देन एट द एंड लीगल रूट से जब बात नहीं बन रही है और आपके पास डेफिनेटली रिसोर्सेज नहीं होंगे, तभी तो वो आप पर जो है अत्याचार कर रहे होंगे। रिसोर्सेज होंगे तो आपको कोई क्यों बोलेगा? तो फिर आप जो है बड़े बनिए, एक बड़ी पोजिशन पर पहुँचिए, और फिर जिसने आपके साथ ये करा है फिर उसका जो है थोड़ा सा इलाज करिए। पहले नहीं कर सकते कोई बात नहीं, उसको छोड़ दीजिए। पहली बात तो जो इलीगल काम कर रहा है उसको छोड़ दीजिए कि भाई इसके साथ तो मेरे को नहीं करना, ये कोर्स में इलीगल काम होता है, मेरे को नहीं करना, क्योंकि लॉ में लिखा है, रेगुलेशंस में लिखा है, फिर भी आप जो है इलीगल काम कर रहे हैं, स्लेवरी करा रहे हैं आप, किसी को फोर्स ही नहीं कर सकते काम करने के लिए, फिर भी आप मेरे को जाने नहीं दे रहे। तो अगर इलीगल चल रहा है सिस्टम तो सारे क्रिमिनल हैं, क्रिमिनल ऑफेंस कर रहे हैं, तो इसको छोड़ दो, ये वाला कोर्स मत करो फिर उन 10% के लिए, बट 90% में मिलेगा। और 10% में छोड़ने के बाद क्या करोगे आप? अपना करियर कहीं और बनाइए। आप लड़ नहीं रहे, आप गुंडागर्दी नहीं कर रहे, कुछ नहीं कर रहे, अब आप उससे बड़ी पोजीशन पर पहुंचिए, उसके बाद उसको थोड़ा सा जो है उसको ठीक करिएगा जब पावर आपके हाथ में है। तो ये समझदारी है। आई एम नॉट सेइंग यू टेक लॉ इन योर हैंड, व्हाट आई एम सेइंग इज बी पोलाइट, बी लीगल, बट ऑल्सो फाइट फॉर योर राइट्स। चुप नहीं बैठना, डर के नहीं बैठना, ना तो डरना है आपको और ना हिंसा करनी है, दोनों चीज़ों में फ़र्क है, राइट? कई लोग हैं सड़क पर क्या करते हैं, लड़ाई झगड़े करते हैं, गुंडागर्दी करते हैं, मुझे डर नहीं लगता किसी का। वो बात डरने की नहीं है। अभी कोई आएगा उनसे स्ट्रांग बंदा या फिर लीगल सिस्टम से आएगा जो उससे ज़्यादा पावरफुल होगा, वो डर के मारे वो भाग जाएंगे। अब क्या, तो डर गए ना फिर, तो डर तो है ही है, वो गलत कर रहे हैं। सही में क्या होगा, डर नहीं लगेगा, कोई भी आ जाए, कुछ भी आ जाए, डर नहीं लगेगा, बट यू विल नॉट हार्म एनीवन। आपको डर नहीं लग रहा भाई, क्या कर लेंगे वो,
जान से मार देंगे और तो कुछ नहीं कर सकता कोई बंदा इस दुनिया में, उससे ज़्यादा भयानक कुछ भी नहीं हो सकता। बस डरना नहीं है। बैटमैन मूवी देखी थी मैंने, उसमें मैंने देखा था उसके पेरेंट्स पे को चाकू दिखाते हैं, वो शो से निकलते हैं तो कोई थीफ आता है, चाकू दिखाता है, चाकू दिखा के वो दे भी देते हैं सब कुछ अपना और उसके बाद भी मार देते हैं उनको। तो जो बैटमैन का बाप होता है, जो बैटमैन बाद में बनता है बड़ा होकर बच्चा, उसका बाप कहता है अपने बच्चे को मरने से पहले डरना मत। तो इसलिए फिर वो बैटमैन बनता है। बैटमैन बन के अब डरता नहीं है वो, लोग उससे डरते हैं, बुरे लोग डरते हैं कि बैटमैन आ गया ख़त्म कर देगा हमें। तो मैं वही कह रहा हूँ, वर्स्ट केस सिनेरियो कोई कुछ नहीं कर सकता यार, आपको कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता आपका। यू शुड स्टैंड फॉर योर सेल्फ और फिर आप ज़िंदगी में बहुत बड़ा करेंगे। और डर के जीना है तो ठीक है, आप अभी भी डर के जी रहे हैं, जीते रहिए। मैं तो नहीं डर रहा, मैं अपनी फर्म से तो नहीं डर रहा। हाँ मैंने बात समझी, पीक टाइम है काम पूरा कर लो, ये नहीं कि मैं पीक टाइम में बोल रहा हूँ मैं कल नहीं आऊँगा परसों नहीं आऊँगा, मैं तो आऊँगा ही नहीं आपका काम ख़राब करूँगा, ये नहीं करना है। आप ट्रांसफ़र नहीं दोगे मत देना यार, कोई दिक्कत नहीं है, बट मेरे को ट्रांसफ़र चाहिए। मैंने मेल डाली, मैंने इंटीमेशन करा और पीक टाइम है तो उस पर अपना बेस्ट काम भी किया। और पीक टाइम होने के बाद फिर मैंने कहा कि भैया अब ट्रांसफ़र लेना है, अब ये कुछ बोलेंगे तो मैं नहीं चाहूँगा यार, कर लो जो करना है। बट ये नहीं कि मैं पीक टाइम में और फर्म का नुकसान करने की इंटेंशन से मैं चीज़ें कर रहा, नहीं। मैंने उनको जो बेस्ट काम डिलीवर कर दिया, एक महीने या डेढ़ महीना और काम किया, बेस्ट किया, बट अपने मांग पर डटा रहा कि मुझे ट्रांसफ़र चाहिए, मैं लेकर जाऊँगा और इंटीमेशन टाइम पर करी। ट्रांसफ़र मुझे मिला इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग के लिए, 3 महीने पहले इंटीमेशन करा, ट्रांसफ़र मिला। इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग में मेरे को छुट्टियाँ चाहिए थी अपनी एग्ज़ाम्स के लिए, इंटीमेशन करा, मिला मेरे को टाइम। जो मना कर रही थी उन्होंने भी दिया। तो एवरीथिंग इज़ पॉसिबल, यू जस्ट हैव टू स्टैंड फॉर योरसेल्फ, राइट। दीज व्यूज़ आर माई पर्सनल व्यूज़, हैज़ नो रिलेशन विद एनी ऑर्गेनाइजेशन और एनीथिंग टू विच आई एम एसोसिएटेड, एनी कंपनी और एनी वन टू विच आई एम एसोसिएटेड। दीज आर कम्प्लीटली माई पर्सनल व्यूज़ और ये मैं आप लोगों की हेल्प करने के लिए मैंने पूरा डिटेल्ड बनाया है वीडियो, ताकि वर्डिंग्स वगैरह क्लियर हो, थोड़ी राइट लैंग्वेज में आप लिख पाएँ, रेफरेंसेज वगैरह दे पाएँ, स्टेप बाय स्टेप 1 2 3 4 जैसा एक्सप्लेन करा है वो फॉलो करें। और अब जो है मेरे पास जितनी भी मेरे पास क्वेरीज आएंगी, व्हाट्सएप आएगा, टेलीग्राम पर आएगा, तो मैं उन्हें इस वीडियो का लिंक शेयर कर सकता हूँ, मुझे बार बार सेम चीज़ नहीं बोलनी पड़ेगी, मेरा टाइम बचेगा। तो थैंक यू वेरी मच, अपने दोस्तों के साथ चैनल को शेयर करिएगा, वीडियो को डाउनलोड करिएगा और शेयर करिएगा। सीए करियर काउंसलिंग पे वीडियो है, सीए कोर्स में आने से पहले वो वीडियो देखना ज़रूरी है तो उसको देखिएगा। आर्टिकलशिप हरासमेंट हो रही है, आर्टिकलशिप रिफॉर्म्स के बारे में वीडियो बनाए हुए हैं, रियल स्टोरीज, उन्हें पहले देखिएगा ये जानने से पहले कि मैं आर्टिकलशिप कहाँ से करूँ, क्या क्या गलत भी होता है ये भी देख लीजिएगा, और सारी चीज़ जाँच पड़ताल करने के बाद ही जो है इस कोर्स को चूज़ करिएगा। सो विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो देन, और ऐप को ज़रूर डाउनलोड करिएगा, सीए योगेश वर्मा ऐप, यस, उसमें आपको मिलेंगे कोर्सेज जिससे आप लर्न कर सकते हैं अपना काम। यहाँ तो सीखने मिलेगा नहीं आर्टिकलशिप में, 70-80% जगह पे रिटर्न फाइलिंग, अकाउंटिंग एंट्री मिलेगी, बिग फोर के प्रोसीजर मिलेंगे नहीं, एक्सेल ढंग से चलाना आएगा नहीं, बैलेंस शीट वगैरह बनानी आएगी नहीं, वो सब चीज़ें आपको ऐप से मिलेगी। तो वहाँ से आप सीखिए, बाकी फर्म में जो ऑलरेडी हैं टाइम वेस्ट कर रहे हैं अपना तो ठीक है, टाइम वेस्ट करते रहिए, काम सीखने मिल रहा है कुछ लोगों को तो बहुत अच्छी बात है, ट्रांसफ़र चाहिए तो ट्रांसफ़र लीजिए, जैसा करना है वैसा करिए, सक्सेसफुल बनिए, आगे बढ़िए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, स्टे ट्यून्ड, जय हिंद एंड बाय।